चलिए देखिए आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर चुम्बक तो, तो, तो और भी वीडियो यूट्यूब पर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अस्सी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं यानी कि समझिए इस वीडियो से पूरा का पूरा आपका अंक मिलेगा जितना आप लोग रहे हो ठीक है ना वीडियो को पूरा देखना साथ में चैनल पर जो विद्यार्थी पहली अर्जुनो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पीडीएफ के लिए, के लिए नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है चलो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए आज से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए इस प्रकार से आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखेगा तो काफी इजी आया है कहा जरा के चुंबा किए का ए सही क्या होता है कहा जरा के दूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज देखिए चुंबा किए जो होता है दोस्तों उसका ए सही जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है 腰丹。 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है इसीलिए इसका बी नंबर ऑप्शन हो मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है जब एम्पियर मीटर होगा ये भी नहीं होगा का नहीं नहीं तो यहाँ सेक्वायर हो जो होता है दोस्तों ये आपका चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है जेटी टी इनवर्स भी होता है तो याद रखना यहाँ से बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे चलिए यहाँ से कहा जाए कि अपेक्षित चुंबकशीलता ठीक ना

यानी कि किसी चुम्बा का सदिश होता जो तो ऑप्शन नंबर इसका पी हो जाएंगे पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना संपर्क करना डी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप मिलेगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और चलिए डीएस मात्र पंद्रह सेकंड में जानिए काम समय बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं चलिए पंद्रह सेकंड में जानिए देखिए जो विद्यार्थी कम समय चार सौ नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर की सर्च कीजिए सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ट्वेल्थ आई में चले आना है यहाँ से आप लोग हिंदी अंग्रेजी गणित तो बहुत की राशन जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय में चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो क्या वीडियो देखने के बाद जरूर जाना चलो यहाँ से म्यू नोट का आपका मान बतलाना है देखिए काफी इजी क्वेश्चन पूछा है म्यू नोट

क्योंकि एग्जाम में अक्सर जाते है, अगर इसको आप लोग तो तो याद नहीं चलिए यहां से कहा जा रहा है पांच नंबर क्वेश्चन रेखा की ओर जाने पर क्या होता है तो देखिए नमन का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर दोस्तों घटता है क्या होता है नमन कोण का मान उत्तरी धूप से विश्व रेखा की ओर जाने पर घट जाता है क्या होता है घट जाता है यानी कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो नमन कोण होता है जो नमन कोण आप लोग जानते होंगे इसका नमन कोण का जो मान होता है न? दोस्तों जो से होता है रेखा की ओर जाने पर दोस्तों घटता है क्या होता है घटता होता है इसलिए ऑप्शन नंबर बीस का आंसर हो जाएंगे डिनक्रीज करेगा द एंगल ऑफ द डेप मूविंग द फ्रॉम द नॉर्थ पोल इन द इक्वेटर ठीक है ना डे तो याद रखना इसका चलो यहाँ से कहा जाएगा चुंबाकीय कौन का देखिये चुम्बाकीय नमन कौन का मान सुन होता है तो देखो चुंबाकय नमन कौन का जो मान होता है डी एस्टूडेंट पर सुन होता है तो निरक्ष जो होता है डी चुंबाकीय ऑन द मैग्नेटिक नेचुरल पर आपका जो होता है डी एस्टूडेंट चुम्बाकीय नमन कौन का मान दोस्तों जीरो हो जाता है क्या होता है जीरो होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिप एंगल इज जीरो क्योंकि दोस्तों आप लोग का चुंबाकय मान जो सुन होता है दोस्तों निरक्ष पर होता है ऑन द मैग्नेटिक नेचुरल पर होता है इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर

पावर चौबीस मीटर स्क्वायर बोर मैग्नेटॉन का मान होता है ठीक है ना ठीक है स्टूडेंट याद रखना ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल याद कर लीजिए चलिए कहा जाएगा चुंबकीय यम होता है क्या होता है मैग्नेटिको माइडन इज क्या होता है लगाएंगे यहाँ से बहुत ही अच्छा डिशन देखिए या दे यामो जो होता है दोस्तों एक ताल होता है क्या होता है एक फ्लोर दोस्तों ताल होता है यानी कि चुंबकीय या मोह जो होता है एक प्रकार का ताल होता है जो भी विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाएं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसी प्रकार से एकदम धमाल और कमाल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए चले नए नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जाए कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से क्या होती है तो देखिए एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है दोस्तों जो होता पारा मैग्नेटिक इसका दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति के तापमान बढ़ने से उसकी जो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति है दोस्तों वो घट जाती है क्या होता है दोस्तों डिनक्रेज कर जाते हैं जब दोस्तों आप लोग का क्या किया जाता है तो अनुचुबा पदार्थ के के चुम्बाके के तापमान को बढ़ाया जाता है तो एक हट जाता है डियर स्टूडेंट काफी इजी क्वेश्चन है ठीक है ना डियर स्टूडेंट चलिए आप चुंबकशीलता म्यू आर का मान पूछा जा रहा है देखिए म्यू आर जो होता है दोस्तों उसका मान वन होता है और ऑप्शन आर का भी मान वन होता है ये सब आपको कोई नहीं बताएगा डियर स्टूडेंट अगर आप लोग पीडीएफ कोर्स में एड होना चाहते हो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करना जो क्लास कराएंगे जैसा जैसे कराएंगे अगर बेहतर अंक प्राप्त करते हैं तो आपको टॉपर लिस्ट में डी स्टूडेंट पच्चीस हजार का इनाम दिया जाएगा तो आवास से जुड़िएगा ये नंबर आपको दिख रहा है ये स्टूडेंट चलिए अपेक्षित चुमा सिलता म्यू आर का जो मान होता है वो वन होता है ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे चलिए चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का दोस्तों जो कौन होता है वो क्या कहलाता है यानी कि चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक के बीच दोस्तों जो कौन कहलाता है वो दिक्पात कहलाता है क्या कहलाता है दिक्पात कहलाता है इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो कौन होता है दोस्तों जो एंगल होता है वो दिक्पात के नाम से जाना जाता है तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे काफी ईजी क्वेश्चन है चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ही है देखो ये क्वेश्चन काफी जे बहुत बार बहुत बार एग्जाम में पूछा है देखो इसका जो कंडीशन होता है दोस्तों सौ बी स्क्वायर जो होता है क्या होता है बी ए स्क्वायर देखो ये सब आपको पूरा प्रूफ बात लाएंगे क्यों हुआ डी एर स्टूडेंट ठीक ना इसके बराबर इसके बराबर आप लोग को नोमेरिकल पीडीएफ कोर्स में आवास आप प्ले स्टोर से एजुकेशन लेक्चर जरूर आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा ठीक ना डी एर स्टूडेंट यहाँ से याद है लेकिन कौन सा सही है तो ऑप्शन ए सही है बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्र भी आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे काफी इजी था उम्मीद है आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव याद करोगे क्योंकि यहाँ से आपको मेहनत लगा मेरा ठीक ना डिस्टो टोटल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा

देखो घोन चुंबाक अनुपात का मान कितना होता है यानी कि दोस्तों जब दोस्तों मैग्नेटिक है, रेशियो है होगा यानी मैग्नेटिकेश घोन चुंबाक का जो अनुपात होता है उसको मैंने निकाला डियर स्टूडेंट जिसमें आप लोगों का दोस्तों काफी मजा है निकालने में इसका नोमिकल भी आप लोग को लूंगा ठीक ना डियर स्टूडेंट इसका जो मान आया था एट पॉइंट एट फाइव ठीक ना डियर स्टूडेंट चलिए बेहतर मेरे पेरे साथना टेट माइनस टेन होता है इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे डियर स्टूडेंट लगभग इसी प्रकार से दोस्तों प्रति में आया तो जो भी विद्यार्थी इसका ये नंबर ऑप्शन लगाएं इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाएंगे जो विद्यार्थी ये नंबर लगाएं उसका राइट आंसर है घूर्ण चुंबक के का अनुपात कितना होता है तो इतना आपको दिख रहा है 1.85 10 प्लस का 10 ठीक है ना डियर स्टूडेंट देखिए यहां से कहा जरा कि अपेक्षिक चुंबकशीलता और दो दोस्तों चुंबा प्रवृत्ति के बीच कैसा रिलेशन है तो देखिए चुंबकशीलता और दे के प्रवृत्ति के बीच जो काम होता है टू प्लस एम होता है क्या होता है एम होता होता है क्या होता है क्या, होता है? क्या होता है सर जी एम हा इसी को हम लोग काई एम कहते हैं ठीक ना है आपको जो एक्स की तरह दिख रहा है इसको हम लोग का कहते हैं यानी कि अपेक्षिक चुंबकशीलता और के प्रवृत्ति के बीच जो रिलेशन होगा म्यू आर बराबर दोस्तों

चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मुझों में तो आप लोग लगा रहे थे कि एम बटा एच होता है क्यों तो चुंबाकन बाटा चुंबा चुंबाके ऐसा होता है आपको बात लाएंगे बेहतर तरीका से इसका मात्रा कैसे तो नहीं होता है क्योंकि इसका कोई माता क्यों नहीं होता है

जो एसआई मात्रक होता है वो बेबार होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिरोध का एम होता चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला होता है तो ये सब तो कभी होगा ही नहीं तो बी नंबर याद रखना चलिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जरा के चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है कहा जरा कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज शुरु में आपको थे सर जी क्या से एम्पियर मीटर स्क्वायर दो सौ चुंबा अगुण का मात्रक होता है जबकि एक और मात्रक जुल बटा टेस्ला भी होता है क्या होता है जुल बटा टेस्ला भी होता है तो यहां से याद रखना जुल बटा टेस्ला एंड आपका दोस्तों जो दिया गया आपका ऑप्शन सी ये दोनों मात्रक हो जाएंगे दो सौ चुंबाकीय अघुन तो यानी कि दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट का तो याद रखना ए एंड बी दोनों हो जाएगा तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों बीस नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि की के क्षेत्र के दिशा से किसी चुम्बक को 90 डिग्री घुमाने में किया गया गया दोस्तों कार्य क्या होता है तो देखिए देखिये ये जो होता है दोस्तों क्षेत्र उसकी दिशा में किसी चुम्बक को 90 डिग्री घुमाने में जो किया गया कार्य का जो मान होता है वो ओवान एम भी होता है कहोगे कैसे सर जी तो देखो आपको पता है दोस्तों घुमाने में किया गया कार्य का दोस्तों सूत्र होता एम भी साइंटी होता है साइंटी का जो मान होता है दोस्तों क्या होता है एम बी एम बी यहाँ से लेके लेकेम बी बात चलेगा कि नहीं रियन क्योंकि ऑप्शन नाग, तो सी हो जाएंगे काफी इजी क्वेश्चन ये सब है और एग्जाम में पूछा जाता है याद रखना कि किसी चुम्बा को किसी चुंबक को नाइनटी डिग्री घुमाने में जो किया गया जो कार्ड होगा दोस्तों वो वन एम बी होगा अब देखिए कैस नंबर ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन देखिए लगाइए इसका आंसर का जरा के जब चुम चुम्बा के क्षेत्र का मान घटने से सुई का अवर्त क्या होता है तो देखिए सुई का जो अवर्त होता है वो बढ़ता है क्यों सर जी तो देखो चुम्बा के क्षेत्र का मान जब घटेगा तो सुई का जो अवर्त होगा वो दोस्तों बढ़ जाता है यानी कि बढ़ता है तो यहाँ से देखेगा तो आपको देख पा रहा होगा बी नंबर ऑप्शन में बढ़ता है ठीक ना डियर स्टूडेंट बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम भहकाल मचाइए क्या सर जी बहुकाल मचा दीजिए लगा करके इसी प्रकार से और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर किस जगह क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं चलिए यहां से कहा जा रहा कि है किसी एक समान एक समान चुंबक के क्षेत्र को आवेशित कण की देखिए एक समान चुंबक के क्षेत्र में एक आवेशित कण पात की तीजा का कैसा होता है तो दोस्तों समानुपाती होता है कैसा होता है के समानुपाती होता है किसके समानुपाती होता है

नंबर मूलभूत कारण होता है तो हो के दोस्तों, जो था आवेशों की जो गति होती है हो आवेशों का जो दोस्तों आवेश की जो स्पीड होगा डी एन जो गति होगा डी एन आपका दोस्तों मूलभूत कारण बनेगा तो याद रखना बी नंबर ऑप्शन बेहतरीन क्वेश्चन है इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाना एग्जाम में चलिए यहाँ से दोस्तों ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन का कि एम चुंबक को दोस्तों में उसे पर घुमाया जाता है तो उसका जो मान होगा दोस्तों कितना हो जाएगा तो जब ऐसा याद रखना हो जाता है क्या हो जाता है एम बी वन माइनस cos सीटा हो जाता है इसका डी नंबर हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों चुम्बकीय आघूर्ण की बात किया दोस्तों एम बी माइनस एम बी माइनस वन माइनस को सीटा हो जाएगा देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है किसका अस्तित्व नहीं है तो देखो किसका जो है दोस्तों अस्तित्व नहीं है तो याद ना एकल चुंबक का दो बार एग्जाम में पूछा है तो इसको याद रखना एकल चुंबक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है तो ऑप्शन बी चलिए यहां से देखिएगा दोस्तों क्या छब्बीस नंबर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि किसे छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से दोस्तों पर दूर तथा निराक्षीय का अनुपात है तो देखो ये सब आपको कराएंगे निराक्षीय इसमें पांच नंबर में हर साल पूछा रिकॉर्ड मेरे पेड़ साथियों हर साल कभी आक्षीय में कभी निराक्षीय में कभी निराक्ष में कभी, कभी निराक्षीय में लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया तो लगाइए इसका का आंसर हो जाएंगे बहुत अच्छा सही विद्यार्थ लगा है देखो जो आक्षीय होता निरा है निराक्षीय स्थिति की तुलना में दुगुना होता इसलिए दो है इसलिए दूर बन होता तो है क्योंकि नीचे दो होता है लेकिन इसमें निराक्षी में कुछ नहीं होता है आपका दुगुना होता है आक्षीय में तो इसलिए दो से बन होता है या तो आप लोग दो भी कह सकते हो डायरेक्ट दो से एक एक कहना बेहतर होगा तो बिना बल हो जाएगा चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि चुंबकीय चुंबा के आरोप आर क्षेत्र का दोस्तों हो है क्योंकि आपको के के है बिंदु पर चुम्बा क्षेत्र का जो मान होगा समानुपाती होता है तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे काफी क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों ये सब क्वेश्चन कराए हु तो पीडीएफ के लिए नंबर पर आप लोग कौन जरूर कीजिएगा नाइन वन फोर टू फाइव टू नाइन वन थ्री फोर चलिए देखिये दो सौ प्रदर्शित करता फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्रदर्शित करता तो याद रखना सी नंबर चलिए तांबा होता है देखिए तांबा जो होता है दोस्तों कौ पर वो क्या होता है तो तांबा चुंबा क्यों तो सब याद रखना चलिए यहाँ से कहा किसकी चुमकशीलता अधिकतम होती है देखिए किसकी जो चुमकशीलता होती है वो अधिकतम होती है तो फिर मैग्नेटिक की चुमकशीलता सबसे अधिक होती है तो इसी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे चलिए थर्टी वन नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन से वास्तु उपयुक्त होती है यानी कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है तो नरम लोहा का यूज किया जाता है किसका नरम लोहा का यूज किया जाता है मेरे पेरे साथ तो इसी प्रकार से एकदम धम, धमाल और कमाल करते रहिए बी नंबर ऑप्शन लगाते रहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से कहा जा रहा है कि चुंबक के क्षेत्र बी और दो दोस्तों चुम्बकन में दो सौ क्या समान है तो बी बराबर जो होता है दो सौ म्यून ऑट एच प्लस एम जो डी एन इसके बराबर हो जाता है किस वे ये चुंबक चुंबक और चुंबकन के बीच रिलेशन है तो यहाँ से बी इज देखोगे तो डी नंबर ऑप्शन में दिया गया काफी इजी इक्वेशन है तो याद रखना डी नंबर चलिए निम्नलिखित में से किस किसा के को बाद से काम और ऋणात्मक होती है किसके चुंबक प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है तो दोस्तों आपका प्रतिचुंबकीय होता है ठीक है क्या होता है प्रतिचुंबकीय ऑप्शन ए हो जाएगा किसकी चुंबक प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है यानी कि डाई मैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय चलिए ये क्वेश्चन लगाइए तो मेरे प्यारे साथियों आपका इंतजार मैं कर रहा हूँ कि आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं चुंबकशीलता का मात्रक द यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म में चलिए लगाइए आप लगा देंगे सही विद्यार्थी तो देखिए जो चुमकशीलता होता है डी एस जहाँ तक मुझे पता है चुमकशीलता जो होता है दोस्तों इसका जो मात्रक होता है हेनरी बाटा मीटर होता है सही विद्यार्थियों को पता है सिनेमा लगा देंगे लेकिन ये भी पता होना चाहिए इसका मात्रक न्यूटन बाटा एम्पियर स्क्वायर भी होता है ठीक है ना डी स्टूडेंट और एक होता है वन बेबर और पता एम्पियर मीटर भी होता है ये जो तीनों आपको दिख रहा है डी एश्वर ये सब आपका है चुमकशीलता का मात्रा ये तीनों होता है किसका होता है चुमकशीलता का तो कह सकते हो इसका ऑल ऑफ दो दिख रहा है बिल्कुल सही है क्योंकि दोस्तों न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर ये भी सही है ये भी आपका सही है तो ये भी आपका सही है तो कहिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा चुमकशीलता का, चुमक का मात्रक के लिए देखो चुम्बक बराबर आपको पता है कि चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन होता है तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है साथ में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है और यहाँ से एक मीटर से तो एक मीटर काटोगे तो ऊपर बचेगा नीचे एक मीटर बच जाएगा यानी कि एम्पियर बटा मीटर कहाँ पर दिया गया तो एम्पियर बटा मीटर आपको ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है ये भी एकदम लाले पोप क्वेश्चन है सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए एम्पियर बटा मीटर होगा इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है डियर स्टूडेंट चलिए देखो तीव्रता या चुंबकन चुम्बक सभी होता है होता? एम्पियर मीटर ठीक ना एम्पियर मीटर ये हो जाएगा चुंबा तीव्रता या चुंबकन का है तो मेरे प्यारे साथी हो याद रखना राइट आंसर हो देंगे देखो एम्पियर मीटर ये दोस्तों ध्रुव प्रबल का होता है किसका होता है दूर प्रवल का होता है ये दूर प्रवल का होता है टेस्ला के क्षेत्र का होता है हिंदी तो, का होता है। तो याद रखना ए नंबर इसका ये राइट हो जाएंगे देखिए पृथ्वी के ध्रुव पर चुंबाकों का, का जो मान होता है कितना होता है तो पृथ्वी के ध्रुव पर चुम्बकीय नाइनटीन डिग्री होता है यहाँ से जो विद्यार्थी बी नंबर ऑप्शन लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पृथ्वी के चुंबा ध्रुव पर नमन कोण का मान नाइनटी डिग्री होता है बी नंबर इज द राइट चलिए देखिए यहां से कहा जा रहा है दोस्तों कहा जाएगा ध्रुव ध्रुप्रबल का, का ए सक क्या होता है अभी आपको बात है ध्रुव प्रबल का माता जो होता है दोस्तों एम्पियर मीटर होता है क्या होता है एम्पियर मीटर एम्पियर मीटर देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपको देख पा रहा होगा एम्पियर मीटर दोस्तों देख पा रहा है ठीक ना, ना, दुरु, दुरु, दुरु है ना स्टूडेंट्स बेहतरीन है चलिए याद रखना चुंबाकीय धुध्रुव ध्रुव प्रबल का मात्रक जो होता है या ध्रुव प्रबल का मात्रक माता तो एम्पियर मीटर होगा इसका जो विद्यार्थी सी नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट है देखिये निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है देखो निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है दोस्तों वो क्या होती है चलिए बहुत अच्छा देखो निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है दोस्तों वो जीरो होती है क्योंकि वहां पर चुंबकन संभव ही नहीं है ठीक ना क्योंकि देखे निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है दोस्तों वो जीरो होता है ऑप्शन डी हो जाएंगे चलिए एक हिंदे जो वो क्या होता है देखो एक हिंदी पूछा आपसे एक हिंदी जो है माइक्रो है है होता ठीक एक माइक्रो पूछेगा तो टेन ट्रेन सिक्स एम एच हो जाएंगे ठीक ना डी स्टूडेंट ये देखना एक माइक्रो हिंद पूछेगा ये तो एक हिंद पूछा है चलिए बहुत ही अच्छा डी एयर स्टूडेंट इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए अड़तीस का ये नंबर लगाइए देखिये पांच टेस्ला वाले क्षेत्र बराबर क्या होगा तो चुम्बाक क्षेत्र का मात्र आप लोग को पता है बहुत यचा, बहुत अच्छा अच्छा वेबर बटा क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है ये भी आपको पता है नहीं पता तो याद कर लीजिए चलिए बहुत अच्छा देखो यहाँ से चुम्बा क्षेत्र का वेबर बटा मीटर होता है तो यहाँ से आपको पांच टेस्ला वाला पूछा था लगा दीजिए ये तो आपको आंसर देखना है जी हाँ फाइव ए गुना दो वेबर बटा मीटर स्क्वायर ऑप्शन ए हो जाएंगे तो मातक भी है सब कुछ है यहाँ पर चलिए देखिए चुमकशिलता मेो के लिए निम्न लेखित में से कौन सा संबंध सही है तो म्यू बराबर दोस्तों क्या होता है चुमकशिलता के लिए म्यू बराबर क्या होता है काफी इजी है तो याद बी बटा एच होता है दोस्तों क्या होता है बी बाटा एच कहा दिया गया म्यू बराबर बी बटा एच देखिये बी नंबर ऑप्शन में दिया गया बस बी नंबर ऑप्शन लगाओ और का क्योंकि बी बाटा एच होबे करता है डीएशन तो इसमें सोचने वाली बात कहाँ से है ठीक है ना डीएशन चुमकशिलता मेो के लिए संबंध है चलिए यहाँ से कहा जा रहा है डी फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन के चुमसिलता के जमितिया लंबाई एल जी और एल एम में क्या संबंध है तो देखिए एल जी और एल एम में जो रिलेशन होता है डी स्टूडेंट एल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो फाइव बाई सिक्स एल जी हो जाएगा क्या क्या फाइव बाई सिक्स एल जी होता है ये होता है डी एस्टोरेंट आपका क्या तो आपको पता होना चाहिए चुंबकशीलता शिलता की लंबाई एल जी और एल एम के बीच सही रिलेशन है तो यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही है क्योंकि आपको पता होना चाहिए फाइव बाई सिक्स होता है फाइव बाई से फाइव बाई सिक्स एल जी होता है यही होता है दोस्तों किसी चुंबक जमीती है लंबाई और एल एम संबंध तो ए नंबर याद रखना चलिए यहाँ से कहा जरा दोस्तों यदि किसी जगह का नमन कौन दोस्तों टाइम डेल्टा है यानी कि देखिए किसी दोस्तों जगह का यदि दे किसी डेल्टा किसी जगह का नमन कौन है और टाइम डेल्टा का व्यंजक क्या होगा तो टाइन डेल्टा का मान पूछा है टाइम डेल्टा के बात कर देखो टाइन यहाँ से क्या पूछा है डेल्टा टाइन डेल्टा जो होता है दोस्तों बी एच हो जाता है क्या होता है बी एच हो जाता है ये आपका हो जाता है डी एच ठीक है ना बहुत इजी क्वेश्चन है तो लगाइए हाँ बयालीस का ये नंबर लगाने डिशन बिल्कुल सही है क्योंकि बीवी वाटा बी एच हो जाता है डिडियश ऐसा बहुत सूत्र दिए हैं ताकि आपको एग्जाम में एकदम भहोकाल मचाना है तो इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना आप लोग को नंबर दिख रहा है बेहतरीन तैयारी करेंगे हंड्रेड परसेंट आप टॉपर में पक्का होगे अगर मेहनत करोगे तो ठीक है ना डिशन क्योंकि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है बस आपको प्रैक्टिस करना है मेहनत करना है थोड़ा आपको जो देंगे उसी से आता है हंड्रेड परसेंट बस आप लोग खाली तैयार है मेहनत करने के लिए तो संपर्क कीजिए देखो चुंबक पृथ्वी के चुंबक के धुर पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है ये आपको पता है लेकिन रेखा पर पूछेगा तब क्या किस अगर विश्ववत रेखा पर पूछेगा ना सर जी तो जीरो लगा देंगे लेकिन हम लोगों से पूछा के दूर है चुंबाधर पर कहां पर पूछा जी चुंबाधर पर नमन कोण का मान पूछा है और चुंबाधर पर नमन कोण का मान नाइन्टी डिग्री होता है सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे चलिए अनुचुंबा पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है तो देखो अनुचुंबा चुम, पदार्थ की जो चुंबा प्रवृत्ति होती है दोस्तों वो अस्टेबल होती है स्थिर होती है क्या होती है अस्थिर होती है यानी कि दोस्तों टेंडेंसी ऑफ पारामग्नेटिक मटेरियल इस क्या हो जाएगा तो स्थिर हो जाएगा अस्टेबल हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे मेरे पेरेंट्स साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखो आपको पता होना चाहिए चुम्बाक क्षेत्र बी मेरे वास्तव चुंबाकीय एम होता है देखो चुम्बाक क्षेत्र बी और चुम्बाकीयुण एम है तो धारा पास द्वारा दोस्तों अनुभव बल अघुन यानी कि टोज होता है दोस्तों टो का मान क्या होता है तो टोज होता है दोस्तों टाउ टाउ इसको इसी को बोलते हैं तो एम क्रॉस बी होता है क्या होता है एम क्रॉस बी हो जाता है अगर एम बी थीटा मिलेगा तो भी सही उत्तर होगा क्या होगा एम बी थीटा मिल जाएगा तो भी सही है देख लो ऑप्शन ए है डीएस रटना बिल्कुल नहीं आपको समझाएंगे हम लोग देखो निकल क्या तो आपको पता है कि निकल क्या है तो आप लोग का है है ठीक लाहौल अनुचुम्बाकिस्तों लाहौ के सॉरी लोहा ये सब तो लाहौल चुम्बाकि होता है डीएर क्या होता है फेरोग्नेटिक होता है तो याद रखना इजी क्वेश्चन है बिल्कुल प्लीज मत भूलना एग्जाम में पूछता है देखिए हिंदे का मात्रक पूछा है तो देखो हिन्दी पूछे या पूछे तो या तो पूछे सब का माता हेनरी होता है तो देखो हिन्दी माता का दो सौ प्रेखा तो का हो जाएगा ए नंबर फ्लक्स का तो बेवर होता है चुंबाक क्षेत्र का दो तो सौ टेस्ला होता है विद्युत क्षेत्र का क्या होता है न्यूटन मेटाकुल होता है तो यहां से याद रखना प्रेका ऑप्शन तो ए यानी कि हेनरी का मात्रक है देखो डी स्टूडेंट यहाँ से देखिए तो कहा जा रहा है चुम्बाकीय अगुण एक है जो निर्दिष्ट करती, करती है दोस्तों क्या नि करती है हम्म हाँ बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट बिल्कुल बिल्कुल उत्तर से दक्षिण उत्तर से दक्षिण करता है कि एक जो निर्दिष्ट करते हैं दोस्तों उत्तर से दक्षिण ऑप्शन नंबर बीस का नेक्स्ट क्वेश्चन लाउ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है एक लाव चुंबा पदार्थ की चुंबा तो दोस्तों क्या होती है ठीक ना रेस्टूडेंट से चलिए बहुत ही अच्छा म्यू इज इक्वल देखिये म्यूज होता है क्या यार देखिए म्यू जो होता है दोस्तों काफी बड़ा होता है वन से इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो ऑप्शन ए में दिख पा रहा है काफी इजी है चलिए चुम्बकीय विभव का दोस्तों मात्रक क्या होता है तो देखो चुंबकीय विभव के मात्रक पूछा बहुत इंपोर्टेंट है देखो जूल बट एम्पियर मीटर होता है जूल बटा एम्पियर मीटर अब देखो जूल बटा एम्पियर मीटर क्यों दी कहाँ दिया गया है तो बहुत ईजी है मेरे पेड़ साथियों तो आपको ये पता तो भी होना चाहिए इसका परिभाषा इतना मजा है मेरे पेड़ साथियों क्या बताऊँ इतना मजा आता है पढ़ाने में आप लोग यार कोर्स लीजिए आपको मजा आ जाएगा पढ़ाई में ठीक ना डी नंबर आपको देख रहा है नाइन वन फोर टू फाइव टू नाइन वन थ्री फोर कोने में दाएं सारे तो इस नंबर पर संपर्क जरूर कीजिए क्योंकि हम आपको बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करवा देंगे डी एस ताकि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल परचम लहरा रह सके टॉपर लिस्ट में चलिए चुंबकीय आघूर्ण का दोस्तों बीमा क्या द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज तो इसका आप लोग को पता है मात्र स्क्वायर होता है तो एमपियर बीमा ए जाएगा और में मीटर का जो बीमा होता है ए एल स्क्वायर हो जाता है मीटर का एल स्क्वायर हो जाता है तो ए एल स्क्वायर ए नंबर में देख रहा है ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे ये सब सोचने वाली बात एकदम ईजी लॉलीपोप है देखिये परमाणु न्यून का दो सौ चुंबाकिया गुण क्या होता है तो देखो परमाणु जो न्यून होता है डी ए रेस्टूडेंट द मैग्नेटिक ऑफ एटॉमिक नॉन इज इक्वल्स जो होता है दो सौ वो जीरो होता है क्या होता है देखो पृथ्वी का चुम्बाकिया गुण पूछेगा तो उसका भी होता है डी शुन एट पॉइंट टेन रूपये होता है डीशु उसका चुम्बाकिया गुण का लेकिन यहाँ से आपको पूछा था परमाणु न्यून की चुंबाकिया गुण जो आइटम न्यून होगा दोस्तों उसके लिए चुंबाकिया गुण जो होता है दो सौ वो जीरो होता है

न्यूटन बट एम्पियर मीटर ये भी मातक है एंड टेस्ला भी है और बतलाइए सर जाओ कोई माता का हाँ एक और माताक आपको बतलाता हैं मेरे पेरे पहले आप लोग याद कीजिए कैसे याद करोगे करोगेजिए टेस्ला एक और होता है दोस्तों क्या होता है कौन वन बेवर बटा मीटर स्क्वायर हाँ ये वाला होता है ये तीनों दोस्तों मातक होता है चुंबकीय प्रेरण पेर यानी कि टेस्ला का मातक है क्या होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर एक हुआ ये टेस्ला दो हुआ तीन हुआ बे बटा मीटर स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा कोई नहीं आप लोग का एनालिसिस करेगा ठीक है ना डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगाया जो जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके कोशन से हैं तो कल इस नंबर पर इस जरूर बात कीजिए डियर स्टूडेंट आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे चलिए यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट तो ये और भी इजी क्वेश्चन है ठीक ना डियर स्टूडेंट्स कहा जरा अपन से हाँ चलिए डियर स्टूडेंट लगाइए चले सुन लगा ये बहुत मजा आएगा जी कहा जाएगा प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान होगा वो जीरो हो हो जाएगा जाएगा क्योंकि क्या क्या सर क्या कर हो जी जी बात जीरो कैसे हाँ देखिये के ध्रुव स्थिति में जब भी आपका दोस्तों प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव की गणना की जाती है तो उसका मान जीरो हो जाता है क्योंकि आपको विद्युत विभव के बारे में निराक्षीय स्थिति पर जीरो होता है ये भी बात ला चुके हैं चलिए एक मिले हेनरे क्या होता है जे कोई यूट्यूब पर नहीं बताया सर जी आप बताइए ना तो देखो आपको पता है एक हैनरी बराबर टेन टूर थ्री एम एच होता है पता है कि नहीं आपको जी पता है सर जी लेकिन इसके अलावा कोई बताते ही नहीं लेकिन हम बता देंगे एक हेंड्री टेन टू थ्री एम एच होता है तो एक मिली हेड्री को पलट दीजिए क्या पलटेंगे सर जी इसको माइनस कर दीजिए पावर बा क्योंकि मिली हेंड्री में पूछ जाए तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा टेन टू वाइनस थ्री एम एच ठीक ना डी स्टूडेंट यानी कि मिली हैंड्री पूछ गया मिली हैं इधर आए है। लेकिन एक हैंड्री बराबर था अभी यहाँ पर पूछा क्या है एक मिली हैं आपको पता है कि एक हेंद्री जो होता है दोस्तों क्या होता है एक, एक क्या होता है आपको पता है होता है तो इसी को दोस्तों इधर लेकर आया और इसको इधर लेके तो आए थे माइनस का हो गया तो याद रखना ए नंबर हो जाएंगे अब देखो माइक्रो पूछ दिया दोस्तों तो आपको पता है माइक्रो सिक्स से संबंध रखता है तो ये भी आप लोग बता सकते हो दोस्तों एक माइक्रो एन टेन टू माइनस थ्री एच हो जाएगा ढी स्टूडेंट ये देखिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ऐसा यूट्यूब पर सात को आपको कराएगा लेकिन हम लोग है कि आपके मेहनत को सलाम करते हैं आप लोग मेहनत करें तभी यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको बेहतर करना है ठीक है ना ठीक अन्य स्टूडेंटों के मुताबिक आपको बेहतर करना है क्योंकि आपको फर्स्ट डिविजन सेकेंडरी से मतलब नहीं आपको बेहतर ज्ञान प्राप्त करना है आपको टॉपर बनना है बेहतर करना है जिंदगी में इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो बी नंबर चलिए स्वय प्रको का मात्रक क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए स्वय प्रकृतों का जो मात्रक होता है हिंदी होता है या तो वन वेवर बटा एम्पियर होता है यहाँ से लगा सकते हो चार ऑप्शन आपके पास दिया गया मेरे पेरे साथियों एम्पियर आप लोग देख पा रहे बेहतरीन क्वेश्चन ए नंबर में दिख रहा है बेवर, ठीक ना बेवर, क्या है मेरे पेरे अरे वन वेबर एम्पियर इन वर्स ऑप्शन ए दिख रहा है तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे देखो म्यू नॉट का मातक क्या होता है देखो म्यू नॉट का मातक पूछा है म्यू नॉट म्यू नॉट को ही चुमक सीलता इसका मात्रक जो होता है हेनरी वाटा मीटर होता है क्या होता है हेनरी वाटा मीटर हेनरी मीटर कहाँ एच एर ये हैं दोस्तों यानी कि दो क्या होता है बेहतरीन क्वेश्चन है हम्म चलिए कोई बात नहीं डी सुन चलिए आप लोग मेहनत बिल्कुल कीजिए चलिए हेनरी वाटा मीटर होता है या हेनरी वाटा टेस्ला भी कह सकते हो लेकिन हेनरी वाटा मीटर होना चाहिए जो कि कोई ऑप्शन में ही नहीं है ठीक ना डियर स्टूडेंट चलिए त्व का बीमा क्या होता है देखो स्व प्रकत्व प्रेरकत्व यान पूछे ये सबका जो मात्र होता है ए मेल स्क्वायर क्या होता टी के पो माइनस टू पो माइनस टू होता है ये होता है बीमा यानी कि स्व पूछे स्व पूछे तो इसका मात्रक जो होता है एम एल टू टी के पोर माइनस टू एक माइनस टू होता है ठीक ना डियर स्टूडेंट चलिए यहां से देखिए उनसठ नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ध्र प्रबलता का बीमा क्या होता है देखो इसका मात की बात करें

चलिए यहाँ से देखेगा दोस्तों द्रव और गैस क्या होते हैं लिक्विड एंड गैस क्या होता है लिक्विड एंड गैस क्या होता है चुंबक ये पदार्थ नहीं होते बिल्कुल सही बात है जबकि ये दोस्तों प्रत्येक चुम्बाक अनुचुंबा कैस होता है दोस्तों द्रव और गैस दोनों होता है जबकि दोस्तों फेरो मैग्नेटिक नहीं होता है जबकि डाई मैग्नेटिक एंड पैरा मैग्नेटिक होते हैं देखो चुंबकीय क्षेत्र के बीमा या चुंबकीय प्रेरण के बीमा जो भी मेरे पेरे साथ तो इसका जब भी बीमा के बात आएगा चुंबकीय प्रेरण का तो चुम्बकीय टी के पोर माइनस वन होता है आई एम एल टी का पोव माइनस वन ऑप्शन सी चलिए यहां से देखिएगा डीएस देखिए हम लोग सोल्यूशन के करके बताते हैं और लंबा हो जाता है लेकिन पेडी कोर्स में जुड़ेगा उसमें बहुत मजा आएगा जी एकदम मजा आएगा चलिए यहाँ से देखिए जब चुंबाके तीव्रता को चोगना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबाके सुन सुन का दो सौ जो अवर्तकाल होता है उस पर क्या डे इफेक्ट पड़ता है तो देखो उसका जो अवर्तकाल होता है वो दुगना हो जाता है क्योंकि चौगुना का होता तो है दुगना हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आप लोग करोगे दो सौ तो यहाँ दोगुना हो जाएगा हाँ देखो ये सब ट्रिक आपको देंगे दोस्तों सूत्र आप लोग को बतलाएंगे कैसे बांधता है आप लोग को पूरा मजा आएगा जी का हुआ क्लास नहीं एकदम मजा आ जाएगा एकदम इतना मजा आएगा चलिए चले क्यू रेता पला अनुचुबा की ओर जाता मतलब है अनुचुबा के मतलब पारा मैग्नेटिक पारा मैग्नेटिक आप लोग देखेगा तो ए नंबर में दिख पा रहा है चलो ए नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन देखो बेसब्त रेखा पर नमन कोण का मान जीरो डिग्री होता है आपको पता है कि नहीं नहीं पता तो याद कर लीजिए जीरो डिग्री होता है जबकि नमन कोण का मान नाइनटी डिग्री होता है द्रोपा चलिए बोर मैग्नेट्रॉन का मान क्या होता है बोर जो मैग्नेट्रॉन होता है उसका जो मान होता है वो क्या होता है चलिए बहुत ही अच्छा डी एशन ई एच फोर पाई एम होता है ये होता है इसका मान बोर मैग्नेट्रॉन का तो ऑप्शन रखना तक ना बी हो जाएंगे देखिए एम क्या है सर जी एम बी क्या एम दोस्तों क्या है चुम्बाकि हाँ चलिए एम पी एच देखो इसकी जगह एम ए, ए इसकी जगह एम एच भी दे सकता है ठीक है ना स्टूडेंट इसका मात्रक जो होता है जुल होता है और साथ में के जी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर भी होता है ये सब आपको बात लाएंगे कैसे निकालता है क्लास ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट आपको बेहतर का नंक प्राप्त करना तो आप लोग को जरूर ज्वाइन होना है यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है मेरे पेरे साथियों चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों तो अड़सठ नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेटर से तो के तार बनी होती है ठीक है ना डियर स्टूडेंट है से तो के तो तार जो बनी होती है दोस्तों वो कैसी होती है तो मेटर से तो के जो तार बनी होते हैं तो तो दोस्तों तो मैगनिन की होती है कैसी होती है मैगनिन की होती है ठीक ना स्टूडेंट मैग्नेट का बना होता है मेटर सेतु का तार तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे मेटर सेतु के जो तार होते हैं मैग्नेट की बनी होती है मेरे प्यारे साथी बहुत मजा आता है जी ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी एच ठीक है ना डियर स्टूडेंट बी एच में यदि चुम्बकीय सुई का अवतकाल एन हो देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा लगातार पूछा इसका जो एन स्क्वायर जो होता है दोस्तों एन स्क्वायर इसका समानुपात चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी एच जो, जो है समानुपात होता है सुई आवर्तकाल के ए नंबर काफी इजी है

घूर्ण चुंबा की अनुपात कहा जाता है इसका मान भी आप लोग को बात लाइन सुन तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे चलिए बहुत मजा आएगा मेरे साथियों क्या हो जाएंगे ए नंबर हो जाएंगे घूर्ण चुंबा की अनुपात और पीडीएफ के लिए नाइन वन फोर टू फाइव टू नाइन थ्री फोर डी एन अरे भैया बेहतरीन किस एग्जाम मचा दीजिए देखे कहा जाए का मान बढ़ने से स्वतंत्र निलंबित चुम्बका चुंबक का दोस्तों दोलन काल क्या होता है देखो चुम्बाक्य क्षेत्र का मान दोस्तों बढ़ाएंगे तो जो स्वतंत्र है जो चुम्बक का जो दोलन काल होगा जो उसका दोलन काल की जो क्रिया होगी वो दोस्तों कर जाएगी क्या हो जाएगी ए नंबर राइट हो जाएंगे चलिए यहाँ से देखेगा तो कहा जा रहा कि एक है एक चुम्बक पर समाकर किसी बिंदु पर चुम्बा क्षेत्र क्या होता है तो चुम्बाक्य क्षेत्र दोस्तों ऐसी स्थिति आघूर्ण के प्रति समांतर हो जाते इसका बी नंबर हो जाएंगे चलिए यदि किसी चुंबक को लंबाई को दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है तो निम्नलिखित तो में से किसका मान अपरिवर्तित आता है सोचिए किसका मान अपरिवर्तित आता है जब दोस्तों चुंबक के दो भागों को विभक्त कर दिया जाता है तो दोस्तों उसमें जो पोल चलिए बहुत ही अच्छा पहले से आंसर चले पोल जो मोमेंट होता है दोस्तों ध्रुव प्रबल वो दोस्तों क्या होता है अपरिवर्तित आता है कोस्टेंट रहता है मेरे प्यारे साथियों अनचेंज रहता है तो ऑप्शन ए चलिए यहां से कहा जा रहा है कि आठ त्रिज्या वाले दोस्तों बी गतिमान है तो इसके लिए कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे देखिए कि जो क्यू भी बीज होता है दोस्तों आठ बटा क्या हो जाएंगे टू हो जाएंगे ऐसा कंडीशन में क्योंकि ऐसा क्वेश्चन का आप को न्यूमेरिकल भी दूंगा तो आप लोग याद रखना बी नंबर हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए चलिए क्वेश्चन देखिए इसका तो को बात लाइन दो सौ में होता है तो माइनस एम भी कोशा कार्य करता है तो ध्यान रखना साथ, ओ साथी कौशा ना काम करेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्थिति ऊर्जा पूछा है स्थिति ऊर्जा पूछा है इसलिए कौश इसके लिए होता है देखिए किसी तो चुंबक का चुम्बा होता है किया नंबर क्या हो जाएंगे बी नंबर चलिए किसी स्थान पर दोस्तों आवासीय कोण क्या होता है किसी स्थान पर जो आवासीय नमन कोण होता है अर्थात नमन कौन सी यदि को होता है ए नंबर इसका राइट हो जाएंगे चलियासी क्वेश्चन है अभी बहुत ज़्यादा है दोस्तों थोड़ा सा रुकिए ना कम से कम पचासी क्वेश्चन है देखिए किसी चुंबक के प्रभावी लंबाई और जमिततीय लंबाई दो सौ कितना होता है तो चौरासी परसेंट होता है यानी कि किसी चुंबक का दो सौ प्रभावी लंबाई उसकी जमिततीय लंबाई का चौरासी परसेंट होता है तो याद रखना डी नंबर हो जाएंगे देखो चुंबक के दो निराक्षीय रेखा के, निराक के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय विभव का मान क्या होता है तो ऐसा कंडीशन में आप लोग को दो तीन बार अभी तक बतला दिए दोस्तों ऐसा जब कंडीशन होता है तो ऐसे कंडीशन में जीरो हो जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ के के प्रति तापमान के बढ़ने से घटती है तो ऑप्शन ए हो जाएंगे चलिए पिरासी नंबर कहा जरा कि किए पदार्थों के आ, के प्रति भारत चुम्बकीय मजबूत चुंबाक्य के कमजोर हो जाने के दोस्तों जो घटना होती है ये तो आप लोगों को पता पाड़ों अंतर का वाणी तो उसमें मैंने बताया हूँ कि अनुचुंबा होगा सी नंबर चलिए पृथ्वी का चुम्बकीय गुण क्या होता है देखो न्यून का दोस्तों परमाणु न्यून का तो जीरो होता है लेकिन पृथ्वी का क्या होता है चुम्बाया गुण कितना होता है देखो एट गुना एट पॉइंट जीरो गुना टेन टू माइनस टूल्व होता है कितना ट्वेल्व होता है जो प्रति टेस्ला तो याद रखना डी नंबर चलिए इसका लगा ये चौरासी नंबर क्वेश्चन का डी एन चौरासी नंबर क्वेश्चन है कहा से समान्य संकेतों के लिए चाल कुंडी के लिए धारा सुखा होता है एन बी ए बाटा सी होता है क्या होता है एन बी ए बाटा सी तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन को किस इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन को नहीं करता किसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए बी नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छियासी नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि जब किसी कान को दोस्तों क्या कर एक क्षेत्र में गति करते तो चुम्बाक्य विद्वान जोगा वो कितना हो जाएगा तो बेग इस कंडीशन में अच्छा रहेगा चलिए इतना पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटेगा ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था देखो आपको पता है वी क्रॉस भी होता है दोस्तों ऐसे कंडीशन में जो क्वेश्चन आएगा वी क्रॉस भी लगा दीजिए चलिए आपको लोगों को बी नंबर सी नंबर में दिख रहा है चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे साथियों कि हम लोग शुरुआती से बने हुए हैं ठीक है स्टूडेंट आपको पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना वीडियो पसंद है अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर करना मेरे प्यारे साथियों ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर कर सके और नंबर आप लोगों को दिख रहा है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए पीडीएफ के लिए तब तक के लिए देखिए जो विद्यार्थी कम से चार सौ नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आगे इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है क्लिक करने है, तो के बाद ट्वेल्थ आई में चले आना है यहाँ से आप लोग हिंदी अंग्रेजी गणित बहुत की राष्ट्रीय जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते और कम से में